चुनाव के बाद बंगाल के संदेशखाली में फिर बवाल। महिलाओं और आरएफ के जवानों के बीच झड़प हुई। चुनावी हिंसा के आरोपी को छुड़वाया। बंगाल के राज्यपाल का ममता बनर्जी से अनुरोध। चुनावी हिंसा के मद्देनजर बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की 19 जून तक तैनाती। संदेशखाली की महिलाओं का पुलिस पर बड़ा आरोप। बोली, गोली चलाने वाले टीएमसी से जुड़े कुतुबुद्दीन की जगह पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, मतदान के बाद संदेशखाली के लोगों को डराने धमकाने की फिर से कोशिश की जा रही है। बंगाल पुलिस का दावा, पुलिसकर्मियों पर हमले करने वाले की गिरफ्तारी का कुछ महिलाओं ने विरोध किया। जवानों के साथ की गई हाथापाई। ओडिशा के जाजपुर में प्रशासन के खिलाफ लोगों का हंगामा। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करने के दौरान हुआ बवाल। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज प्रेस करना है, जहां रंग भवन ऑडिटोरियम में 12:30 बजे ये पीसी होगी। कल होनी है मतगणना। कार्यकर्ताओं का हौसला बरकरार रखने के लिए कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सभी राज्यों की राजधानियों में कांग्रेस की पीसी। यूपी के 80 सीटों के लिए 75 जिलों की 81 काउंटिंग सेंटर्स पर वोटों की गिनती होगी। यूपी में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। कल होने वाली वोटों की गिनती से पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में बढ़ाई गई सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात। प्रहलाद जोशी ने कहा, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का शिकार है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, सीएजी, संसद में विश्वास नहीं रखती। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं 21 दिन लगातार सभी पार्टी का प्रचार किया, देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, मेरे खून का एक एक कतरा देश के नाम। सरेंडर करने से पहले आप संयोजक केजरीवाल ने एग्जिट पोल को फर्जी बताया। 4 जून को मंगलवार बजरंग बली करेंगे इनका नाश, ये बात कही। केजरीवाल ने कहा, मैं भ्रष्टाचार के लिए जेल नहीं जा रहा हूं, मैं तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं, इसीलिए जेल जा रहा हूं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल का बयान शर्मनाक है। कहा, खुद को शहीद भगत सिंह से तुलना करना ये दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा। कहा, 4 जून को मोदी इस्तीफा देंगे, 5 जून को इंडिया गठबंधन के पीएम की घोषणा होगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा, ये पोल निवर्तमान पीएम ने कराया है, हमारे पास जमीनी फीडबैक है। इंडिया गठबंधन की आ रही है 295 सीटें। जयराम रमेश ने कहा, 2004 में भी ऐसा एग्जिट पोल आया था, ये मनोवैज्ञानिक खेल है ताकि हम डिप्रेशन में जाएं और मनोबल टूटे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, मतगणना के दिन गड़बड़ी की कोशिश होगी, कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों से सचेत रहने को कहा। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। बोले, हम निराश नहीं, 4 जून को नतीजे कुछ और आएंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मोदी जी के लिए बड़ी चुनौती पैदा हो चुकी है, इस बार पीएम मोदी सत्ता से बाहर होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। कहा, एग्जिट पोल सही नहीं है, झारखंड में 10, देश में 295 सीटें होंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है विपक्ष, देश की जनता को पीएम मोदी पर विश्वास। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए। कहा, ये देश को ठगने के लिए एक साथ आए हैं, इनके पास न कोई एजेंडा न कोई सिद्धांत। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश की जनता का पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास है, यही विश्वास एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। साउथ कोलकाता से बीजेपी प्रत्याशी देवाश्री चौधरी ने एग्जिट पोल पर कहा, हम 400 पार करेंगे, सुबह 9 बजते ही काउंटिंग स्टेशन छोड़ जाएगा विपक्ष। एग्जिट पोल पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम डरी हुई है। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, देश को पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है, 4 जून को एनडीए 400 पार करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एग्जिट पोल पर विश्वास। बोले, दक्षिण में भारी समर्थन से 400 पार जाएगी एनडीए।
शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, राहुल गांधी ये जान चुके हैं कि वो एक बार फिर से चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा, हार की हताशा के चलते बेहद गुस्से में है राहुल, एग्जिट पोल से पहले ही कांग्रेस ने हार मान ली थी। निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, वोटों की गिनती को लेकर चुनाव आयोग के सामने रखी चार मांगे। बीजेपी ने कहा, काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, काउंटिंग प्रक्रिया में राज्य सरकारों का न हो दखल। चुनाव आयोग पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पहले पोस्टल बैलेट से गिनती की रखी मांग, कहा पुराने रूल के मुताबिक हो मतगणना। पीएम मोदी ने भाषण में भीषण गर्मी लू के कारण पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की, आग की घटनाओं को लेकर भी पदाधिकारियों को निर्देश दिए। नतीजों से पहले पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक, 100 दिन के एजेंडे पर मंथन, विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी। पेमा खांडू फिर से बन सकते अरुणाचल प्रदेश के सीएम, अरुणाचल में बहुमत को पेमा खांडू ने बताया जनता का आशीर्वाद। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जताई खुशी। एसकेएम प्रमुख मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया। सिक्किम विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर एसकेएम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। एसकेएम की जीत को लेकर गैंगटोक की सड़क पर विजय जुलूस। प्रयागराज में दर्जनों बुरकानशी महिलाओं ने पीएम मोदी की जीत के लिए विशेष नमाज अदा की। नतीजों को लेकर प्रयागराज की मुस्लिम महिलाओं में उत्सुकता। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, पीएम मोदी पूरे देश को मानते हैं अपना परिवार। साक्षी महाराज ने कहा, पिछली बार पीएम मोदी की 300 पार वाली भविष्यवाणी सच साबित हुई, 400 पार भी निश्चित सच होगी। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर पत्थर से हमले में शामिल शख्स को वेमुला सतीश को जमानत मिली। 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल जाने से पहले पत्नी बेटी के साथ हनुमान मंदिर में पूजा की। सरेंडर करने से पहले केजरीवाल ने राजघाट पर बापू को नमन किया। राजघाट के बाहर सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया। गुजरात के द्वारका में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की। बीआरएस नेता के कविता की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। पानी की मांग को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा का मामला आज अहम सुनवाई। गैंगस्टर अरुण गवली की रिहाई के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चलती कार में आग, वक्त रहते कार सवार बाहर आए। दिल्ली नंबर की बताई जा रही है कार, कार के भीतर मिली 4 जली हुई डेड बॉडी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा। मोतीपुरा गांव से बाराती ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर जा रहे थे कमालपुर गांव। हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे तकरीबन 50 बाराती। सीएम मोहन यादव ने दुख जताया। राजगढ़ हादसे पर द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया। नोएडा सेक्टर 8 में बंद पड़ी फैक्ट्री परिसर में आग। यूपी के बांदा में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में आग। पंजाब के लुधियाना में हादसा, हार्डवेयर की दुकान में लगी आग। उत्तराखंड के जोशीमठ में धधक रहे जंगल। नेशनल हाईवे तक पहुंची जंगल की आग। जंगल की आग की घटना से कई घंटे बाद प्रशासन को पता चला। हरियाणा में बीजेपी विधायक जगदीश नायर के आवास के बाहर फायरिंग। एमपी के टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश में युवक को गोलीबारी। 1993 मुंबई ब्लास्ट धमाके के आरोपी मोहम्मद अली खान की जेल में हत्या। सलमान खान के खिलाफ साजिश रचने के आरोपी को भिवानी से गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ग्लेशियर का एक हिस्सा गिरा। आज बदल सकता है दिल्ली का मौसम, आंधी और बारिश संभावना।
तमिलनाडु के कई इलाकों में रविवार को मौसम बदला। कर्नाटक राज्य के कई इलाकों में संडे को बारिश हुई।